पंतप्रधानांनी मौन सोडावं आणि मिट्टू आणि राफेल विमानांच्या खरेदी प्रकरणी आपली भूमिका मांडावं ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे असं प्रतिपादन काँग्रेसच्या राज्यसभा उपनेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा यांनी केलंय. मन की बात करणाऱ्या पंतप्रधानांनी जन की बात करावी. मिट्टू राफेल विमान खरेदी स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी ह्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारवर टीका केली. मिट्टू प्रकरणावरून देशभर गदारोळ सुरू असताना पंतप्रधान बेटी बचाव बाबत चिंता व्यक्त करतात, मात्र मिट्टू बाबत गप्प का राहतात ह्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. राफेल विमान खरेदी प्रकरणात देशाच्या सुरक्षेबाबत तडजोड करण्यात आली आहे. राफेल विमान खरेदी हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आलाय. यावेळी शहर अध्यक्ष रमेश बागवे, आमदार अनंत गाडगीळ, माजी मंत्री उल्हास पवार आदी उपस्थित होते. लगभग 4.5 साल होने जा रहे हैं देश में सत्ता परिवर्तन हुए, और 4.5 साल पहले का एक बार कल्पना करें क्या माहौल, क्या वातावरण, क्या उम्मीद, क्या आशा थी. एक बहुत बड़ी वायदों की लहर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और देश को ऐसी उम्मीद दी गई थी कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन भारत के अंदर होगा जिससे खुशहाली आएगी, चाहे वो महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, कोई हिस्सा हिंदुस्तान का नहीं बचा हमारे मुल्क का जहाँ कुछ ना कुछ जो हमारे समाज के अंदर तनाव ना हो या कई वर्गों की चिंता ना हो. वो इसलिए ज़्यादा पीड़ा है क्योंकि उम्मीद बहुत दिखाई गई थी. तो इस सरकार के अपने 4.5 साल के कारगुजारी में अगर ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जी बात करें तो दिखाने के लिए कुछ नहीं है. सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए है कि एक व्यक्ति का ये बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ, मोदी जी की पैकेजिंग हुई, प्रधानमंत्री प्रधान प्रचार मंत्री भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रचार करते, वो निरंतर प्रचार करते.